बैग के वजन और नो बैग डे नीति का मंत्री उदय प्रताप ने अधिकारियों को सख्ती से पालन करने के लिए आदेश दिया। मंत्री ने कहा कि कोई भी नीति बनती है तो इम्प्लीमेंटेशन होने में लग जाती है। बच्चों के शारीरिक मानसिक विकास को देखते हुए बैग के वजन और नो बैग डे नीति का गठन किया गया। वहीं नीति को लेकर मंत्री उदय प्रताप ने कहा कि कोई भी नीति बनती है तो इम्प्लीमेंट होने लगता है। बैग के वजन और नो बैग डे का हम सब सख्ती से पालन करेंगे। अब नो बैग डे होगा तो मैं खुद स्कूल में जाकर बच्चों का बैग जांच करूंगा। स्कूली शिक्षा विभाग की ओर से स्वागत करता हूँ। ये सिलसिला हम बनाए रखेंगे क्योंकि पेरेंट्स स्टूडेंट्स और हमारे बीच में सबसे अच्छा अगर कोई माध्यम हो सकता है संवाद का, संपर्क का, तो आप हो सकते हैं। इसलिए इसको हम मतलब कंटिन्यूस प्रोसेस में इसको रखेंगे। डिपार्टमेंट के ऑफिसर से भी हम एक्सपेक्ट करेंगे और मैं भी कोशिश करूंगा कि आपके साथ संवाद में कई चीजें हम लोग कर रहे हैं। जैसा भी राजू सर ने बताया, ये बड़ा एक बहुत अच्छा आइडिया है। ये हम किसी से मांगते नहीं है, ये जो आपको अभी सामने प्रेजेंटेशन जो दिया है, अगर मांगा जाता तो वो फिर लोग उसको ऑर्गेनाइज करने लगते हैं चीजें। ये हम उठाते हैं, रेंडमली उठाते हैं, पता करके। सो अपने सोर्सेज जो है, कुछ शासकीय स्तर पर है, कुछ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के हैं, कुछ सोशल एक्टिविस्ट और एनजीओ के माध्यम से जानकारी आती है, उसके आधार पर इंतजार होता है। खुशी की बात यह है कि ग्रामीण क्षेत्र रूरल एरिया बहुत अच्छा कर रहे हैं। कई जिले उनके अंदर कॉम्पिटिटिवनेस आई है, वो लगातार वो टॉप में रहने की कोशिश कर रहे हैं। और थोड़ी सी तकलीफ वाली स्थिति यह है कि कैपिटल सिटी भोपाल, हमारी बिजनेस हब, बिजनेस कैपिटल इंदौर, ये शासकीय स्तर पर जो स्कूलिंग है उसमें कहीं ना कहीं पिछड़ रहे हैं। आप देख रहे हैं दखल न्यूज़।